नाम गुलाम नबी है, हम नुनर में रहते हैं। ये अखरोट का दरख्त जो इसके पिछले चंद सालों से ऑलरेडी हम ये मस्जिद कमेटी के जरिए ऑलरेडी डिविजनल कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी गए, डीसी ऑफिस में भी गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए, इसके कागज़ वगैरह चलते हैं। लेकिन इस वक्त इसका ये पिछले दिनों ऑलरेडी इसका एक शाख नीचे से ऑलरेडी रास्ता गुजरता है मस्जिद के लिए भी, ऑलरेडी यहाँ से ही लोग चलते हैं, इधर से हाइटेशन लाइन भी है, तो हर किस्म का खतरा है। तो ये मकान के ऊपर गिरने का खतरा है। पिछले दिनों ऑलरेडी यहाँ से ये टिपर एक चलती, बड़ी मुश्किल से बाल बच गए टिपर के ऊपर, ऑलरेडी इसका एक शाख गिर चुका। तो इस वक्त भी आप खुद देखते हैं ये बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है, फल वगैरह कुछ दे नहीं रही। हमने उस जो जिस ये माइग्रेंट का है उससे भी हमने रब्ता किया था, उसने भी कहा कि इंसानी जान बचाना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है ऑलरेडी, तो हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, इसको कटवाए। तो हम हुकूमत से यहीं अपील करते हैं, डीसी साहब से यहीं अपील करते हैं, ये तहसीलदार साहब से यहीं अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसकी शाख तराशी करके हमें इस बला से निजात दिला। मोहम्मद गुराब लोन है, हम असली बेसिकली गुरेज के रहने वाले हैं। हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ मकान बनाया है, लेकिन मुझे कम से कम 8-10 परिवार है मेरा। तो ये पेड़ ऑलरेडी ये सूखा है, माइग्रेंट वालों का है, लेकिन उनसे भी हमने रब्ता कर दिया। उन्होंने भी बोला है जब इंसान का कोई खतरा है इंसानों को तो ये काटना चाहिए। तो आप हम रिक्वेस्ट करते हैं तहसीलदार साहब और डीसी साहब से यहाँ मौके पर आकर देकर इसकी थोड़ा नज़ा दिलाए हमें। चलने फिरने में, मस्जिद में जाने बाहर हमारे बच्चे नहीं निकल सकते, यहाँ टिपर या गाड़ियाँ यहाँ चलती है, गाड़ी के ऊपर भी गिरते हैं, एक शाख तो इसकी पूरी मकान के ऊपर है। अब हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा ये शाख तराशी अगर हो जाएगा हम इससे बच जाएंगे।